अस्सलाम वालेकुम नियाज़िन के व्यूअर्स को सलाम। जैसे अक्सर हर ट्यूसडे 1 से लेके 2 बजे तक यूके टाइम और पाकिस्तान में ये 5 से लेके 6 बजे तक टाइम। सो मेरे साथ एक्सपर्ट ओपिनियन जो मेरे प्रोग्राम का नाम है बाबर मलिक हमेशा की तरह होते हैं और जो पाकिस्तान में स्पेशली जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज है हम ज्यादातर उसके हवाले से बात करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज के प्रोग्राम में पिछले प्रोग्राम में हमने कुछ लाइफ स्टाइल पे बात शुरू की थी तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा बाबर साहब से रीकैप कर दें और ताकि हम जब लाइफ स्टाइल पे बात करें तो हम वो सारी चीजों को साथ लेके चले। जी बाबर साहब जी थैंक यू फहीम साहब, इट्स गुड टू बी बैक अगेन। हमारा लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है वैसे तो इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के जानवर हमारे मुल्क में रेस किए जाते हैं, फिर उसमें बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं उससे, जिसमें मतलब शुतुरमुर्ग भी हैं, बतख का गोश्त भी किया जाता है छोटे मोटे स्केल पर। लेकिन जो बुनियादी और बड़ी वैल्यू चेन्स हैं लाइफ स्टॉक की, वो हम तीन उनको वैल्यू चेन्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। एक उसमें है जी पोल्ट्री की, जिसमें मुर्गी का गोश्त और अंडे आ जाते हैं। दूसरी उसमें है मिल्क की, जिसमें दूध आ जाता है। और तीसरी है मीट की, जिसमें गोश्त आ जाता है। तो गोश्त में जो है वो फिर आगे फर्दर हम गोट का और बफलो का या काओ का, ये उसकी फर्दर कैटेगराइजेशन होती है। तो ये तीन क्लासिफिकेशंस हैं हमारे लाइफ स्टॉक सेक्टर में जो मेन है, जो बड़ी हैं। और उसके अलावा छोटी छोटी क्लासिफिकेशंस, जैसे मैंने आपको बताया पटेरा और मतलब किस्म के लाइफ स्टॉक जो है ना वो इस मुल्क में हो रहा है। लेकिन बड़े पैमाने पे जो काम हो रहा है जिनको ज़्यादा डिटेल में स्टडी किया जाता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट की बड़ी अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, वो ये तीन। बिल्कुल सही बाबा साहब। तो आज आप ये कहते हैं कि जो हम लाइफ स्टॉक पे बात करेंगे उसमें हम ज्यादा मीट सेक्शन पे बात करें, क्योंकि पाकिस्तान आल्सो मीट सेक्शन पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, थोड़ा सा उस पर बात करें। जी 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 ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए मिल्क को अगर देखा जाए तो वो हमारे मुल्क में अंदाजा यही है कि कमी है। हमारे मुल्क में बहुत कैपेसिटी मौजूद है कि मजीद मिल्क प्रोड्यूस हो सके और हमें अपने मुल्क की डिमांड को पूरा करने के लिए डिहाइड्रेटेड मिल्क दुनिया से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो वहाँ पे तो बड़ा सीधा सादी सी बात है कि अगर आप अपने मिल्क के सेक्टर को बेहतर करेंगे, मिल्क के फार्म्स को बढ़ाएंगे, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएंगे, तो आप सबसे पहले तो अपने मुल्क की डिमांड को ही पूरा कर सकेंगे। लेकिन मीट जो है वो उसके मुकाबले में मेरी नज़र में एक बड़ी, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लेकिन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और उसके कॉम्प्लेक्स और बड़े होने की वजह यह है कि ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान अपनी ज़रूरत के लिए पूरा मीट बना रहा है, बल्कि पाकिस्तान में ऐसी कैपेसिटी ऑलरेडी मौजूद है कि हम दुनिया भर में उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आपने अपने मुल्क के लिए कोई बड़ा काम करना है जिससे मुल्क के अंदर ज़र मुबादला जो है वो अर्न किया जा सके, तो मीट में अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो किसी भी लाइफ स्टॉक के दूसरे सेगमेंट के मुकाबले में सबसे ज़्यादा और बड़ी भरपूर है। इस वजह से मेरे ख्याल में मीट एक अच्छा सब्जेक्ट है अगर आप उसको आज आगे लेके चलना चाहें। सो मीट में आप ये कहते हैं जो मुझे अभी तक समझ आई, उसमें बकरियाँ, गाय, भैंसे आप इसे मीट में शुमार करते हैं। जो चिकन है वो और तरह का मीट है, उस पर हम ऑब्वियसली आगे बात करेंगे। इसके अलावा और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं पाकिस्तान में, कैमल हो गए, ये वो थोड़ा सा अभी दूर है, थोड़ा सा बताएं उनके बारे में। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि पाकिस्तान में जो मेन 2-3-4 चीज़ें हैं वो पोल्ट्री का मीट है, बड़ा गोश्त जिसमें बफलो और काओ दोनों शामिल हैं, और छोटा गोश्त जिसमें गोट और शीप शामिल है। तो ये तो मेन बड़े आइटम है ना, जिनमें बहुत सारे काम हो रहा है और एक बड़ा स्कोप है। लेकिन इसको छोड़ के पाकिस्तान में शुतुरमुर्ग का गोश्त भी लोग कर रहे हैं, बड़ा लिमिटेड स्केल पे हो रहा है लेकिन हो रहा है, और फिर वो एक्सपोर्ट भी किया जाता है पाकिस्तान से। इसी तरह डक का गोश्त, डक की फार्मिंग और उसका भी थोड़ा बहुत काम हो रहा है,
लेकिन ये छोटे पैमाने पे हो रहे हैं। इसी तरह बटेर की फार्मिंग जो है वो भी हो रही है, चिड़ा चिड़ी की फार्मिंग भी हो रही है, लेकिन ये वो सारी चीजें छोटे पैमाने पे हो रहे हैं। इसी तरह आपने पॉइंट आउट किया ऊंट का, तो ऊंट की फार्मिंग भी हो रही है, लेकिन ये वो सारी चीजें जो छोटे पैमाने पे जो है पाकिस्तान में हो रही है। वैल्यूडिशन के हवाले से भी अगर आप देखें तो लेदर इंडस्ट्री जो है वो भी यहीं से अपना इनपुट लेती है, और इस तरह बहुत सारी और इंडस्ट्रीज हैं जो इस सेक्टर से अपना इनपुट लेती हैं। लेकिन जो बुनियादी और बड़ी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, जैसे मैंने आपसे बताया, ये जो बड़े स्केल पे काम हो रहा है जिसमें ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी मौजूद हैं, वो अगेन मेरी नज़र में, मेरी राय में, वो मीट, मिल्क और पोल्ट्री के अंदर जो है वो एग का एक सेगमेंट आ जाता है। आपकी जो बात है, थोड़ा सा मैं वो कर लूँ, उसको रीडायरेक्ट करना चाहूँगा कि मीट जो है वो उसकी बेनिफिट ये है कि वो सब चीज़ों में क्रॉस ओवर करता है। तो वो बफलो में भी मीट है, गोट और शीप का भी मीट है, और पोल्ट्री का भी मीट है। जब हम मीट पर डिस्कशन करेंगे तो पोल्ट्री उसमें मीट के हवाले से शामिल होगा, ब्रॉयलर बर्ड पे हम बात करेंगे, लेकिन लेयर बर्ड जो है जो अंडे प्रोड्यूस करने के लिए फार्मिंग की जाती है वो ऑब्वियसली उसको सेपरेटली कवर किया जा सकता है। बिल्कुल सही। सो आप ये कह रहे हैं कि ऑब्वियसली अभी इस वक्त ज्यादातर लाइफ स्टॉक की बात कर रहे हैं, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको इनकरेज किया जाए, क्योंकि बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। हमेशा ये कहते हैं कि इस वक्त की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि बहुत सारी जगह पे गवर्नमेंट इजी कर रही है लोगों के लिए कि आके इन्वेस्टमेंट करें। तो आज मैं चाहूँगा कि आज का जो हम सब्जेक्ट रखते हैं वो ज़्यादातर मीट पे रख लेते हैं, जिसमें से मेरे ख्याल में हम बाकी फार्मिंग को छोड़ देते हैं। जो जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान में ज्यादा जोर लोगों का पोल्ट्री की तरफ चला गया, जबकि दूसरे सेक्शन भी मीट के हैं, और उसमें मेरे जहन में तो यही लगता है कि जो एक ओवरऑल मिथ है कि चिकन जो सा है, यानी कि मुर्गी का गोश्त इतना हेल्थी नहीं होता जितना बकरे का या शीप का या काओ का या इस तरह का। सो थोड़ा सा बताएं कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में एक तो किस तरह की अपॉर्चुनिटी है, लोग कहाँ तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसकी रिटर्न कैसी होगी, और क्यों लोग उस तरफ नहीं जा रहे, थोड़ा सा। जी इसको थोड़ा सा मैं हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के साथ, फिर जो आपने सवाल किया उसको थोड़ा सा इसकी स्टोरी हिस्ट्री जो है उसको आप सामने रखना बड़ा जरूरी हो जाएगा। बेसिकली जी पाकिस्तान में अगर हम आज से 20-25-30 साल पीछे चले जाते हैं तो हमारे मुल्क में एक बड़ा ज़रूरत जो है जो मीट इज़ अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, पॉपुलेशन उसको प्रोटीन हासिल करने के लिए और बड़े शौक से कंज्यूम करती है, तो उसमें बीफ जो है वो सबसे सस्ता गोश्त समझा जाता था। उसके करीब करीब ही कुछ जो है वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में शीप और गोट जो है उसका मटन जो है वो आ जाता था। मुझे याद है एक ज़माने तक जो है ना वो जो पोल्ट्री का गोश्त है वो सबसे महंगा होता था। हम अब जब अपने व्हेन आई वाज यंगर तो मैं जब जाता था और जाके अपने घर के लिए शॉपिंग करता था अपने पेरेंट्स के लिए, तो वो मुझे याद है कि सबसे महंगा गोश्त जो है ना वो पोल्ट्री का या चिकन हुआ करता था। लेकिन पिछले 20 सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर पोल्ट्री सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स आए। पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले तो टेक्नोलॉजिकली ये हुआ कि एक एनवायरनमेंट कंट्रोल शेड का कॉन्सेप्ट आया। मुर्गी में मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ज़्यादा चूजे मर जाया करते थे बीमारियाँ लगने की वजह से, ओपन एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव नहीं किया करते थे, अच्छी प्रॉपर न्यूट्रिशन फीड, अच्छी दवाइयाँ ना मिलने की वजह से, तो जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी हमारी बड़ी कम थी और इसकी वजह से जो हमारा गोश्त है वो बड़ा महंगा हो जाता था पोल्ट्री का। लेकिन जब ये एनवायरनमेंट कंट्रोल शेड का एक कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया गया आज से 20-25 साल पहले, तो ये सडनली इट स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर। मतलब 20 सालों में अगर आप ग्राफ देखें तो इतनी स्पीड से पोल्ट्री की प्रोडक्शन बढ़ी है, ना सिर्फ ये कि उसकी प्रोडक्शन बढ़ी बल्कि उसकी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गई। जब ये पोल्ट्री का कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट शेड पाकिस्तान में आए, लगने शुरू हुए,
तो बाहर से कंटेमिनेशन की बहुत कम हो गई और बीमारियां बर्ड्स में कम आनी शुरू हो गई, अच्छी ब्रीड बर्ड्स की इंट्रोड्यूस हो गई जो जल्दी वजन गेन कर लेती थी, फीड की एक पूरी इंडस्ट्री डेवलप हो गई जो कि इस पोल्ट्री को बड़े अच्छे तरीके से बैलेंस डाइट देने के लिए वो फीड इंडस्ट्री पूरी इमर्ज हो गई, वैक्सीन और मुख्तलिफ किस्म की जो उसकी अद्वियात हैं, ड्रग्स हैं जो इनको ऑब्वियसली इन द लाइफ स्पैन को बीमारी आ जाए या कोई और चीज़ उनसे प्रिवेंट करने के लिए या उनके क्योर के लिए वो अवेलेबल हो गई, तो सडनली पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो रेवोल्यूशनाइज हो गया और पाकिस्तान में जो हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री की यील्ड और प्रोडक्टिविटी है वो इतनी स्पीड से इम्प्रूव हुई कि पिछले 15-20 सालों में हम बिल्कुल दुनिया के साथ जो है ना मुकाबले पे आ गए हुए हैं। हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी क्वालिटी, उसके स्टैंडर्ड्स, हर चीज़ दुनिया के किसी भी मुल्क के से पूरे मुकाबले पे है। और इसका जो अफेक्ट हुआ वो अफेक्ट ये हुआ कि पोल्ट्री की कीमत जो है गोश्त की, एक किलो गोश्त की, वो तकरीबन इस वक्त 170-180 रुपए किलो पे ड्रॉप करके नीचे आ गई 20 सालों के अंदर। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ी, एफिशिएंसी बढ़ी, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, तो गोश्त सस्ता हो गया, क्वालिटी इंप्रूव हो गई और आवाम को ऑब्वियसली सस्ते गोश्त की शक्ल में एक बड़ी अच्छी ऑप्शन जो है वो मैसर हो गई। अच्छा, उसी बीच में जैसे जैसे पोल्ट्री ने अपना मार्केट सस्ती होने की वजह से लोगों में इसकी पॉपुलैरिटी बेहतर होती गई, तो उससे हुआ ये कि लोगों ने बीफ से, जो कि आज अगर आप बीफ को देखें जहाँ पोल्ट्री 180 रुपये किलो मिलती है, तो बीफ जो है वो 450-450 रुपये किलो मिल रहा है, जो गोट का मीट है वो तकरीबन 900 रुपये किलो पे मिल रहा है। ये गवर्नमेंट की नोटिफाइड प्राइसेस हैं, कई दफ़ा इससे ऊपर नीचे भी होती हैं डिपेंडिंग ऑन आप किस शहर में खरीद रहे हैं। तो पोल्ट्री के मुकाबले में आज, और पोल्ट्री की पॉपुलैरिटी बढ़ने की वजह से, उसकी कीमत कम होने की वजह से, जो उसका प्रेशर है वो मोस्टली बीफ और गोट इंडस्ट्री के ऊपर ट्रांसफर हुआ, उसकी डिमांड में कमी आनी शुरू हो गई। हमारे आपकी बात को मैं बीच में काटते हुए हमेशा जैसे मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो आपने बात की कि आप कह रहे हैं कि जब आप बहुत छोटे थे, मेरी नज़र में तो आप भी छोटे हैं, बचपन में कभी अगर आप शॉपिंग करने गए हैं घर वालों के लिए, तो आप ये कह रहे हैं कि उस जमाने में मुर्गी का गोश्त महंगा था और यानी कि लैम या बकरे का गोश्त सस्ता था, और बल्कि बीफ का गोश्त उससे भी सस्ता था, ठीक है, और उसकी सिर्फ वजह यही थी कि वहाँ पे एक डिमांड बिल्ट नहीं हुई थी या सिचुएशन ऐसी थी। और अभी जो आपकी बातों से ये जाहिर हो रहा है कि पोल्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ी, लोगों को मार्जिन अच्छे मिलने शुरू हुए, तो ये एक तरह क्या होता है ना कि आपके पास जितनी चीज़ ज़्यादा अवेलेबल होती है उतनी ही उसकी प्राइस बेटर हो जाती है और उतनी ही लोग समझते हैं कि मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो यूके में बैठे हुए हैं, मैं चाहूँगा कि वो इस बात को अंडरस्टैंड करें। ज़ाहरी तौर पर देखने में ये आता है, मैं क्यों ये सवाल इसलिए मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करके, कि पोल्ट्री में लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं हालांकि पोल्ट्री की प्राइस नीचे है, मीट में लोग इसलिए पैसा नहीं कमा रहे कि लोगों की एक्सेस से बाहर हो गया है कि वो मीट खरीद सके, वो इतना एक्सपेंसिव हो गया, लेकिन अगर मीट बहुत ज्यादा मौजूद होगा तो वो सस्ता भी होगा और उसमें भी पैसे ज्यादा बनेंगे, बिकॉज इट बिकम्स अ नंबर गेम। देन होता है ये कि आप किसी एक बंदे को बेचें या आप हजारों बंदे को बेचें, तो दोनों चीजें आपके प्रॉफिट भी उतना ही होता है, प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा बढ़ती है और ये कुछ होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान पे पोल्ट्री के ऊपर ज्यादा काम हुआ, बिजनेस के लोगों ने जिन्होंने भी इंटरेस्ट लिया उन्होंने उसके तवज्जो दी, बाकी चीजों पर तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में आज मुर्गी का गोश्त बहुत सस्ता है और बकरे और गाय का गोश्त महंगा है। तो उसकी वजह यही है कि हमारे मुल्क में काम नहीं किया गया, और अगर अब उसके ऊपर काम किया जाए तो ये सस्ता भी हो सकता है, लेकिन किसी भी बिजनेसमैन को ये समझना चाहिए कि उसमें फिर भी प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी कम नहीं होगी, बढ़ेगी,
इज जस्ट लाइक डिमांड की बात, जितनी डिमांड है जितनी ज्यादा चीजें इज बिकम ए नंबर्स गेम। ठीक है, अब आगे बात करें इसके ऊपर। जी बिल्कुल, आप ही की बात को मैं इस तरीके से रखता हूँ कि जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है उसके वक्त के साथ, क्योंकि आपस में कम्पीट भी कर रहे होते हैं, मतलब जिस बंदे ने जाके गोश्त लेना है वो उसने ये डिसीजन लेनी है और उसके मैंने पोल्ट्री लेनी है, मैंने बीफ लेना है, मैंने मटन लेना है, तो ये आपस में ये आइटम्स कम्पीट कर रहे होते हैं। पोल्ट्री इंडस्ट्री में मॉडर्नाइजेशन की वजह से, प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होने की वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी बेहतर हो गई, उसका रेट इतना कम हो गया है कि वो आज एक प्रेफर्ड चॉइस बन गई है ज़्यादातर पॉपुलेशन की, ऑन द एक्सपेंस ऑफ बीफ एंड मटन। तो बीफ और मटन जो है वो आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया और पोल्ट्री जो है वो आम आदमी की पहुंच में आ गई, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये कि इस सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन में, मैकेनाइजेशन में और अच्छी टेक्निक्स में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हुई है। अच्छा, लेकिन तकरीबन पाकिस्तान में इस वक्त जी 7,000 के करीब एनवायरमेंट कंट्रोल पोल्ट्री शेड्स लग चुके हुए हैं और 2 बिलियन जो है वो पाकिस्तान में पोल्ट्री बर्ड्स जो हैं वो इन शेड्स में उगाई जाती हैं। अगर डिमांड हमारी पूरी हो चुकी हुई है, हमारे मुल्क की डिमांड इससे ज़्यादा की नहीं है, जिसकी वजह से और इन्वेस्टमेंट शायद होने की अपॉर्चुनिटी शॉर्ट टर्म में इस सेक्टर में मौजूद नहीं है, तो इस पूरी चीज़ से एक ये भी चीज़ सामने आती है कि जो 20-25 सालों में पोल्ट्री में इन्वेस्टमेंट हो गई है अब शायद मजबूत गुंजाइश उसमें मौजूद नहीं है, अनलेस के, और उस पर भी आगे बात करेंगे कि हम अपनी एक्सपोर्ट मार्केट को किस तरह टैप करें। अगर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें पोल्ट्री में तो मजीद गुंजाइश फिर दोबारा निकल आएगी बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल डिमांड, उस पर लेकिन बाद में बात करेंगे। सो बीफ और गोट उसके मुकाबले में जो है उसमें ये है कि गोट जो है वो उसको थोड़ा सा एक सपोर्ट मिल जाता है ईद की वजह से। आपको पता है कि ईद पाकिस्तान में बहुत बड़ा फेस्टिवल है और बड़ी मेजर डिमांड जनरेट होती है, कैमल की भी होती है, बीफ की भी होती है, लेकिन गोट की निस्बतन बहुत ज़्यादा डिमांड जनरेट होती है, तो जिसकी वजह से गोट को एक सपोर्ट मिल जाती है कि जो गोट के फार्मर हैं, ये मोस्टली बहुत सारे फार्मर्स साउथ पंजाब सिंध से हैं, नॉर्मेडिक हैं, लेकिन यह है कि गोट की फार्मिंग में वो लोग जो काम करते हैं, एफर्ट करते हैं, उस जानवर में मेहनत करते हैं, तो उनको ईद की जो मार्केट है उसकी वजह से थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है। बीफ उसके इन सारी चीज़ों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा इसने सफ़र किया और उसकी वजह से हुआ ये कि हमारी अपनी डिमांड के मुताबिक तो हम बीफ क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा फिनोमेना देखा गया कि जो स्लॉटरिंग है, यानी कि एक एक जब गाय का या भैंस का बच्चा होता है तो अगर वो फीमेल पैदा होती है तो उसके ऊपर एफर्ट की जाती है, उसको बड़ा किया जाता है, उसको तैयार किया जाता है दूध देने के लिए। अगर वो बफलो का या काओ का मेल काफ पैदा होता है तो वो उसको बड़ी जल्दी बड़ी छोटी उम्र में ही जो है ना उसको ज़िबा करके तो उससे वो जान छुड़ा लेते हैं, क्योंकि उसमें इन्वेस्ट करने में, उसकी फैटनिंग में, उसको बड़ा करने में जो है वो उनको नज़र आता है कि इसमें कोई ख़ास प्रॉफिट नहीं है। तो इस वजह से ये जो हमारी इंडस्ट्री है ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा सप्रेस रही है, जो हमारी बफलो और काओ का मीट है, इसमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं की, मॉडर्नाइजेशन नहीं हुई, लोगों को इंसेंटिव नज़र नहीं आ रहा कि वो क्यों इस मेल काफ पे को बड़ा करें, उसको अच्छे तरीके से फीड करें, और क्योंकि उनको आगे मार्केट जो है वो उस तरह की अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं है। इस पूरी चीज़ को, इस कॉन्टेक्स्ट को आपके सामने रखने का जो बुनियादी वजह है, जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि जब हम आगे चल के एक्सपोर्ट मार्केट की बात करेंगे और लोकल मार्केट में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात करेंगे तो आपको नज़र ये आएगा कि 2 मेजर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हाईटेक मॉडर्न फार्म्स बना के गोट फार्मिंग को करने में और हाईटेक एंड मॉडर्न फार्म्स बना के बफलो फार्मिंग को करने में बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पे जैसे जैसे हम एक्सपोर्ट, दुनिया की एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की मंडियों से जुड़ते जा रहे हैं तो हमें नज़र ये आ रहा है कि वो जो मार्केटिंग साइड से हमें थोड़ा सा रिस्ट्रेंट एक आता था वो भी रिमूव हो जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक ऐसा एरिया बनता जा रहा है कि जिसमें जो है एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एक नए इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा है गोट में और बफलो काओ, शीप गोट बफलो काओ इन मीट्स में। दुनिया की मंडी में ऑब्वियसली बफलो सॉरी काओ का गोश्त सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है,
शायद उसमें सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मौजूद है, इवन गोट और शीप और बफलो के मुकाबले में। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, बल्कि मैं ये कहने लगा था क्योंकि वी बीन सिटिंग इन यूके, सो वी कैन सी कि यहाँ पे एक्चुअली जो चिकन सबसे सस्ता है इन अ वे, उसके बाद मीट, उसके बाद बीफ, समहाउ इस तरह ही की सिचुएशन है। और जो आपने सारी बातें की हैं, एक बात तो हमारे व्यूअर्स को समझ आ जानी चाहिए कि मीट महंगा होने की दो तीन वजूहत हैं और पोल्ट्री सस्ती होने की दो तीन वजूहत हैं कि उसको एक मॉडर्न तरीके से किया गया और आज पोल्ट्री लोगों को यानी मुर्गी का गोश्त सस्ता मिलता है, लेकिन मीट का गोश्त और बीफ का गोश्त जो है वो कंपैरेटिवली महंगा है वहाँ पे, जिसकी वजह से लोगों की रीच में नहीं है। और जैसे वो जो अक्सर हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कहते हैं कि स्टंटेड ग्रोथ की बात करते हैं जो पाकिस्तान में, उसकी बहुत सारी रीजंस इन ही सेक्टर्स में चले जाते हैं। तो बिल्कुल मुझे ये बात समझ आ गई। सो आप ये कह रहे हैं कि अभी इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनकर्ज कर रही है लोगों को कि आप इन जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करें, उसमें ये होगा कि अगर आप मॉडर्न फार्मिंग करते हैं जैसे लोगों ने मुर्गियों के लिए की, तो इसमें भी आप एक बहुत अच्छा मार्जिन क्रिएट कर सकते हैं और मार्केट्स आर ऑलरेडी अवेलेबल। और ये नहीं होगा कि अगर गोश्त की प्राइस अगर आप ज्यादा ग्रो करेंगे तो गिरेगी तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, नहीं, इट टर्न इनटू नंबर्स गेम कि आप जितना ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं, एक तो आप अपने मुल्क को सर्व कर रहे हैं, जो स्टंटेड ग्रोथ वाला चक्कर है उसको भी आप मैनेज कर रहे हैं, आप अपना पैसा भी कमा रहे हैं, और अगर आप मॉडर्न फार्मिंग की तरफ जाते हैं तो आपको एक तरह से डबल एज मिलेगी। उसके ऊपर मैं आगे चलूंगा क्योंकि इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं कि वैसे बिफोर गो टू यू, मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या बकरी को ग्रो करने में या भैंस को या ज्यादा कॉस्ट है? ऑब्वियसली मुर्गी तो छोटी होती है, उसकी कॉस्ट भी छोटी होगी, लेकिन जैसे जैसे एनिमल बड़ा होना शुरू हो जाता है तो क्या वजह है कि उसको कैसे बैलेंस किया जाएगा, थोड़ा उसके ऊपर बताएं। मुझे पता है आप कह रहे हैं कि मॉडर्न फार्मिंग ही की बात है, लेकिन मुझे इतना पता है कि हमारा मुल्क फार्मिंग कंट्री है तो गायें भैंसे तो बाहर जो अगर आप उस तरफ जाएं वो पहाड़ों पे चढ़ के घास खा लेती हैं, लेकिन अगर आप इधर मॉडर्न यानी कि पंजाब में आए जहाँ पे वहां पे थोड़ी सी और सिचुएशन है, सो थोड़ा सा उसकी पिक्चर बताएं ताकि हमें हमारे लोगों को पता लगे कि कैसे उसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और किस किस तरह की फार्मिंग हो सकती है। जी जी एग्जैक्टली मैं इसकी आपको इसमें जो बुनियादी फर्क है वो एक्सप्लेन उसकी वजूहात एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें जो हमारे मुल्क का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स है वो कुछ इस तरीके से है कि 80% जो हमारा फार्मर है, अब थोड़ा सा पोल्ट्री को साइड पे रख के हम गोट और बफलो की बात करते हैं, जो हमारा 80% फार्मर है उसके पास एक या दो जानवर है और एक बड़ा छोटा फार्मर है जिसके पास 10 से ज्यादा भैंसे हैं, मतलब चंद परसेंट फार्मर्स होंगे 1% 2% जिनके पास 10 से ज्यादा भैंसे या गाय मौजूद है। तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो हमारे मुल्क की है वो 4-5-6 गाय भैंसे जो है इनमें इस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब एक फार्मर बड़ा पोल्ट्री फार्मर आता है और उसका एक शेड लगता है जिसमें लाखों की तादाद में वो बर्ड्स लेके आते हैं और बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं और उन बर्ड्स को बड़े मॉडर्न तरीके से फिर पालता है, उसके मुकाबले में इन लोगों के पास तो मुश्किल से अपने डे टू डे खर्चे पूरे करने की पोजिशन में होते हैं। तो बुनियादी वजह इस सेक्टर के पीछे रह जाने की या जो कॉस्ट इसमें इन्वेस्टमेंट ना होने की या वो ये है कि छोटे फार्मर होने की वजह से उनके पास ये कैपेसिटी, ये स्किल, ये नॉलेज भी नहीं है, वो पैसे भी नहीं है और वो एक्सेस भी नहीं है उन इनपुट्स तक कि जिनको एक अच्छे मॉडर्न फार्मर
के करने के लिए जरूरत है। वो जो एक छोटा सा फार्मर का एक परसेंटेज है जो मॉडर्न फार्मिंग कर रहा है, और वो मॉडर्न फार्मिंग क्या है, वो मॉडर्न फार्मिंग ये है कि उनके जो शेड्स हैं वो प्योरली 100% एनवायरमेंट कंट्रोल तो नहीं है पोल्ट्री शेड्स की तरह, लेकिन वो बड़े मॉडर्न शेड्स हैं, उनकी उनकी कंस्ट्रक्शन बड़ी अच्छी हुई है, उनमें फीडिंग के का निज़ाम बहुत बेहतर है, उसमें जो है वो फॉग के सिस्टम लगे हुए हैं ताकि गर्मी के अंदर जो है वो जानवर को ठंडा रखा जा सके, वो फॉग क्रिएट करके पानी की। तो इस तरीके से इन्होंने जो है वो एक मॉडर्न फार्म जो है उसकी उसको बनाया जा सकता है। फिर उसमें जो फीड दी जाती है जानवरों को वो भी एक अच्छे मॉडर्न तरीके से एक बैलेंस तरीके से दी जाती है। मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रंट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जो है उस फीड को वहाँ दी जाती है। तो इस तरीके से जो है वो एक मॉडर्न फार्म जो 1% 2% हमारे मुल्क के फार्मर्स जो इस लेवल पे पहुंच गए हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनके 100-200 जानवरों it was the net problem I think we still live now let's see how आप अपनी बात को जारी रखें सर। जी बेसिकली प्रोडक्शन से रिलेटेड हम बात ही कर रहे थे कि पोल्ट्री में इन्वेस्टमेंट हुई और बेहतर और मॉडर्न शेड बने और बड़े इन्वेस्टर्स उसके अंदर आए जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव कर गई। और अब आके आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बीफ में और मटन ये जो छोटे गोश्त और बड़े गोश्त के फार्म्स हैं इसके भी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मॉडर्न टेक्निक के साथ चंद अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर्स ने इन्वेस्टमेंट करके इस सेक्टर को भी मेरे को भी बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन 99% एक बड़ा जो अभी भी हमारे मुल्क का बेस है वो 1-2 फार्मर्स का है, वरना 10-12 फार्मर्स तक मैक्सिमम जो है वो एक फार्म का साइज रहता है, और वो मोस्टली वो मिल्क के लिए रखा जाता है और जो बछड़ा है उसको बड़ी छोटी उम्र में ज़बह कर दिया जाता है। तो प्रोग्रेसिव फार्म्स जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो जिन्होंने कुछ लोगों ने आके इसमें इन्वेस्ट किया है, ऑब्वियसली वो जो है इस वक्त वो उनके मार्जिन इसलिए भी बहुत ज़्यादा हैं कि रेट्स अभी अच्छे हैं, ज़्यादा हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी लोगों की कम है। उनकी प्रोडक्टिविटी क्योंकि उन्होंने बढ़ा ली हुई है, बेहतरीन कर ली हुई है, वो बाकी फार्मर्स के मुकाबले में बड़ी जल्दी उनके बछड़े का उनके 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 बकरे का वजन बड़ी जल्दी बढ़ जाता है और बड़ा अच्छा खासा बढ़ जाता है, तो वो अच्छे रेट का भी फायदा उठा रहे हैं और अच्छी प्रोडक्टिविटी का भी फायदा उठा रहे हैं। तो ये दोनों एरियाज में मेरे ख्याल में मीट के अंदर छोटे गोश्त और बड़े गोश्त के अंदर फार्मिंग लेवल पे जो है इन्वेस्टमेंट करने की काफी अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। ठीक, तो आपके कहने का मतलब है कि अगर कोई भी बंदा इसमें इन्वेस्टमेंट करे तो उसको एक बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस भी हो सकता है, और उसकी मार्केटिंग क्या क्या है, क्योंकि अगर कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी करने जाएगा क्या वो यहाँ भी इंपोर्ट कर सकता है, बेशक यहाँ पे इंपोर्ट न करे लेकिन उसको वहाँ पे एक बहुत बड़ी मार्केट मिल सकती है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जी जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की जो मार्केट है उसमें इन दोनों गोश्त के महंगा होने की वजह से डिमांड थोड़ी सी उसकी सप्रेस्ड है, उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बावजूद उसके बहुत बड़ी मकदार में जो है वो इन जानवरों का गोश्त खाया जाता है और रेट उसके अच्छे हैं, ज़्यादा हैं इन कंपेरिजन टू पोल्ट्री। तो बिल्कुल मतलब इस रेट पे ये जो 450 रुपये बीफ है या गोट है 900 रुपये किलो, इस रेट पे अगर आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो एक इंटरनेशनल फार्मर या एक बड़े अच्छे एडवांस मॉडर्न लेवल की फार्मिंग पे वो प्रोडक्टिविटी आप वो वाली ले लें और रेट आपको ये वाला मिल जाए जो कि एक लो प्रोडक्टिविटी वाले फार्मिंग सेक्टर का रेट है, तो आपके मार्जिन तो सब्सटेंशली जो है ना बेनिफिशियल और प्रॉफिटेबल ऑब्वियसली हो जाएंगे। लेकिन जो हमारी सप्रेस्ड डिमांड है ये कोई इसकी एक बेनिफिट तो बहरहाल ये है कि आप बेहतर होंगे बाकी फार्मर्स के मुकाबले में, लेकिन यहाँ पे बात रुकती नहीं है। ये नहीं है कि बहुत सारे फार्मर्स एकदम अगर आ गए और उन्होंने सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया और प्रोडक्शन बढ़ गई तो वो ये है कि मार्केटिंग की तरफ से जो है ना प्रेशर आना शुरू हो जाएगा कि डिमांड इतनी स्पीड से नहीं बढ़ी, ऐसा नहीं है। उससे एक तो डिमांड भी इम्प्रूव होगी जैसे जैसे रेट नीचे आएंगे, लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वो बहुत बड़ी हैं। मतलब मैं आपको
अगर ये बता सकूं कि जो दुनिया के बड़े तीन मुल्क हैं, मेरे पास उनके नंबर्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है बीफ का, मीट का, तो $17 बिलियन की वो सिर्फ बीफ एक्सपोर्ट करते हैं एक साल में। ब्राजील जो है वो 15 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो 11 बिलियन की मीट एक्सपोर्ट करता है। तो अगर ये 4-5 बड़े बड़ों को ही मिला लें तो, और टोटल जो दुनिया में मीट की ट्रेड है वो $135 बिलियन की है, तो हम पाकिस्तान ऑलरेडी इसमें एंटर हो चुका हुआ, इस 135 बिलियन की मार्केट में ऑलरेडी एंटर हो चुका हुआ है, लेकिन अभी हम बड़े एक बुनियादी स्टेप्स पे हैं। हम तो मतलब पॉइंट जो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सिर्फ लोकल डिमांड हमारे पास नहीं है, एक बहुत बड़ी साइजेबल मार्केट हमारे पास दुनिया में मौजूद है जिसको हम पे जिसके अंदर आप टैप इन कर सकते हैं। तो आप जो बात कह रहे हैं इनिशियली, अगर इस बात को मैं आगे लेके चलूं तो मेरे ख्याल में मेरी अक्सर आपसे जब ऑफ स्टूडियो बात होती है तो आप कह रहे थे कि चाइना इज अलोन इम्पोर्टिंग मीट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो उनकी डिमांड को थोड़ा सा बताएं। हमारे कहने का मतलब यह है कि चाइना इज द क्लोजेस्ट कंट्री प्रेजेंट मोमेंट पाकिस्तान के और चाइना के, एक बड़े अच्छे दोस्ताना माहौल है, तो उसमें आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को तो ईजिली चाइना में भी मीट की जरूरत तो होगी, तो थोड़ा सा बताएं। जी, थोड़ा सा पाकिस्तान की मीट की एक्सपोर्ट को देख लेते हैं, उसके ट्रेंड्स के उनको देख लेते हैं और चाइना के हवाले से भी उस चीज़ को थोड़ा सा असेस कर लेते हैं। पाकिस्तान से जो हमारी मीट की एक्सपोर्ट हो रही है, ये मैं आपको एक सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अभी बड़ी बुनियादी बहुत सारे मुश्किलों से निकलने के बाद हमारा मुल्क जो है उसमें जो आज 2008 के अंदर जो हमारी एक्सपोर्ट थी वो थी तकरीबन $6 मिलियन की। पाकिस्तान $6 मिलियन का जो मीट है वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया जाता था। ठीक, अब ये वही दौर है जिस दौर में हमारे मुल्क में टेररिज्म शुरू हुई थी और बहुत सिक्योरिटी के मसले मसाइल थे, बिजली की लोड शेडिंग जो है वो 12-12 घंटे जो है वो हमारे लोड शेडिंग रहती थी, तो ये 2008 से ये सारा सिलसिला जो है वो डिक्लाइन की तरफ गया और हमारा मुल्क बहुत बहुत प्रेशर में रहा। बावजूद उसके कि ये इतनी सख्त दौर होने के बावजूद जो है 2018 के अंदर, 2008 में $6 मिलियन थी, 2018 के अंदर जो है हमारी ट्रेड $227 मिलियन हो गई, यानी कि बड़ा एक्सपोनेंशियली जो है वो एक ग्रोथ पाकिस्तान में जो है वो आई है, बावजूद इसके कि हम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। सही। अब 2019 का, क्योंकि नंबर्स अभी पब्लिश नहीं हुए, 2019-20 के ये ऑनगोइंग साल है, अभी ये इसने ख़त्म होना है जून के अंदर, COVID-19 के आने से पहले मैं क्योंकि लाइफ स्टॉक पॉलिसी पे उस वक्त काम कर रहा था तो मुझे मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर के लोगों से मैं मिलता था, तो वहाँ पे जब मैं जाके मीट के एक्सपोर्टर्स से मिला जो स्लॉटर हाउसेस चला रहे हैं, मॉडर्न स्लॉटर हाउसेस जो चला रहे हैं और फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप यकीन कीजिए कि वो इस साल इतने मसरूफ थे, इतने बिजी थे कि वो कहते थे जी कि हमारे पास तो, हमें तो पीछे से गोश्त की सप्लाई नहीं मिल रही, इतने हमारे पास ऑर्डर आए हुए। तो ये जो 227 मिलियन 2018 में था, बावजूद COVID-19 के आने के, ये जो 3 महीने पिछले हमारे मुश्किल में रहे और इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी कम आए और हमारी फैक्ट्रियां भी बंद हो गई, मेरी नज़र में इस साल आप देखेंगे ये कि ये 3 महीने की सप्रेशन के बावजूद मीट की एक्सपोर्ट जो है वो 2018 से शायद ज़्यादा ही होगी। तो और ये इस दफ़ा जो रिसेंटली इसका इम्पैक्ट आया है उसकी कोई ये वजह नहीं है कि हमारी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो गई है या कोई और बहुत बड़ी चीज़ हुई है, वो सिंपली एक उसकी वजह ये है कि जब वो डॉलर को आर्टिफिशियली हमने 100 पे मेंटेन किया हुआ था, जब उसको हमने रिलीज किया और 160 पे, जब हमने 160 रुपए पे के करीब अब डॉलर आजकल ट्रेड कर रहा है, तो सडनली इंटरनेशनल मार्केट में हम बहुत सस्ते हो गए। बिल्कुल, जो हमारी मेन मार्केट्स हैं वियतनाम, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, ये इंडिया से मोस्टली मंगवाते थे या दुनिया के दूसरे मुल्कों से, तो इंडिया में कुछ अपने सिक्योरिटी के मसले मसाइल हो गए क्योंकि मुसलमान ज़्यादा स्लॉटरिंग के बिजनेस में थे, तो
उनके ऊपर थोड़ी सी वो वहां पे जो एक एनवायरमेंट बना हुआ है, तो बहुत सारी जो ट्रेड है वो इंडिया से शिफ्ट होके पाकिस्तान, बगैर ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें हमने मेहनत की हो या हमने कोई एफर्ट की हो या हमने कोई स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट की हो तो उसका हमें फायदा मिल गया। सिंपली इंडिया से ट्रेड हमारी तरफ शिफ्ट हुई क्योंकि उन लोगों की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई थी इंडिया के अंदर। नंबर टू ये कि हमारी जो डॉलर की पैरिटी जब मार्केट बेस्ड रेट पे रुपया आया है उसका हमें बेनिफिट मिला, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जो जो दुनिया में बैठे हुए थे जो हमारे बायर्स थे और हमारे कॉम्पिटिशन से खरीद रहे थे उन्होंने पाकिस्तान को प्रेफर करना शुरू कर दिया। तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि अभी कुछ एफर्ट किए बगैर जो है हम जो है ना ये एक पॉजिटिव ट्रेंड जो है इसमें देख रहे हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात ही को आगे लेके चलूंगा एज इन रिपीटिंग योरसेल्फ कि इन बुरे हालात में जहाँ पे अभी भी जैसे हमारे मुल्क में पाकिस्तान में पोल्ट्री पे इन्वेस्टमेंट हुई और बड़ी मॉडर्न पोल्ट्री हुई और जिसकी वजह से मुर्गी का गोश्त भी सस्ता हुआ और उसकी डिमांड भी बढ़ी, और अभी वो बिल्कुल इन वर्ल्ड ऑफ के अभी वहाँ पे इतनी गुंजाइश नहीं है कि आप जाके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। दोबारा वही बात करूँगा कि हमारे अक्सर लोग वो भेंट चाल वाला सिलसिला हो जाता है, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं मीट की बात कर रहे हैं एज इन गाय शीप भैंस ये सारा जो है वहाँ पे एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपकी सराउंडिंग में ही आपकी डिमांड जो सी है वो आप मीट नहीं कर सकते, जैसे भी आपने कहा कि वैसे ही आपकी जो सी है बढ़ रही है क्योंकि लोगों की डिमांड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कल को अगर आपने किसी किस्म की मार्केट भी एक्सप्लोर करनी है, क्योंकि जितने भी मैं हमेशा कहता हूँ जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी कोशिश यही होती है कि वो अपनी मार्केट एक्सपेंड करें, और जैसे जैसे आप मॉडर्न फार्मिंग करेंगे जैसे जैसे आपकी ग्रोथ भी बढ़ेगी वैसे वैसे ही आपकी सिचुएशन ये हो जाएगी कि आप पूरी दुनिया में कहीं भी जब आप स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं आप यूके में भी ला सकेंगे और दूसरी कंट्री में ला सकेंगे क्योंकि आप वो सारे स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे होंगे। और दूसरा उसमें मैं एक बात जो पिछली दफा हमारी डिस्कशन हुई थी कि कुछ जब मैं बाबर साहब से बात कर रहा हूँ तो ये कह रहे हैं कि जी आप उसको मॉडर्न पे लेके जाना चाह रहे हैं। अच्छा, मॉडर्न का मतलब ये है कि आपको उस तरह की जैसे अर्ली ऑन हम बात कर रहे थे कि सर्टन काउज जो हैं वो उनकी मिल्किंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो मीट में भी कुछ जानवर बड़ी जल्दी ग्रो करते हैं, तो क्या हमें बाहर से ब्रीड लानी पड़ेगी या पाकिस्तान के अंदर ऐसी ब्रीड हैं जो बड़ी जल्दी ग्रो करती हैं मीट प्रोड्यूस होता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं ताकि लोगों को थोड़ी सी सहूलत हो जाए। जी, हमारी जो सही वाली नस्ल है मेरी नज़र में ये बड़ी एक मल्टीपर्पज नस्ल है। ये हमारी अगर इसकी अच्छे तरीके से देखभाल की जाए तो कोई वजह नहीं है कि हमें जो है ये वो बेस्ट प्रोडक्टिविटी जो दुनिया की है वो ना दे सके। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर चाहता है कि इंटरनेशनल किसी ब्रीड को ला के यहाँ पे फार्मिंग की जाए तो उसकी अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है। तो आपके सवाल का अगर मैं जवाब दे सकूँ तो वो ये है कि मेरी नज़र में ये दोनों अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। हमारी जो लोकल साहिवाल नस्ल है वो भी एक अच्छी नस्ल है इस पर्पज़ के लिए, और इसी तरह जो इम्पोर्टेड कोई आप ब्रीड को ला के अगर, क्योंकि कई ऐसे इंटरनेशनल बायर्स हैं जो कि एक खास फ्लेवर उनका डेवलप हो चुका होता है और वो उसी फ्लेवर के करीब रहना चाहते हैं। तो अगर आपका बायर डिमांड करता है, एक स्पेसिफिक मुल्क का बायर है और वो डिमांड करता है कि नहीं जी हमें तो इस तरीके की चीज़ें इस फ्लेवर की पसंद है, तो वो इम्पोर्टेड ब्रीड पे भी काम किया जा सकता है। लेकिन मैं एक पॉइंट और भी इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हमें शायद ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमें इतना प्रेशराइज नहीं फील करना चाहिए कि हम बाहर से कोई इम्पोर्टेड महंगी ब्रीड लेके आए। इसकी वजह यह है कि मैं आपके सिर्फ सामने एक फैक्ट और रख देता हूँ। चाइना जो हमारे से हमारी बड़ी करीबी मार्केट है और वो हम उससे अपनी कनेक्टिविटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, हमारा रेल लिंक उससे डेवलप हो रहा है, सड़कें हमारी ऑलरेडी बन चुकी हुई हैं ग्वादर से लेके ऊपर चाइना के बॉर्डर तक। तो इस वक्त जो ग्लोबल सिचुएशन बनी हुई है
लगता ऐसे है क्योंकि चाइना की जो बड़े दो सप्लायर्स हैं, एक अमेरिका और दूसरा ऑस्ट्रेलिया, और ऑब्वियसली ब्राज़ील से इनके ताल्लुकात शायद ख़राब अभी नहीं हो रहे, लेकिन लग ऐसे रहा है कि आने वाले वक्तों में जिस तरह सिचुएशन जा रही है, चाइना ये चाहेगा कि अब क्योंकि ये फूड है, उनकी उनकी फूड सिक्योरिटी का इशू है, वो अपनी पॉपुलेशन को की फूड सिक्योरिटी पे ऑब्वियसली कोई भी मुल्क कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, तो लगता ऐसे है कि चाइना विल लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ टू डिवर्सिफाई, ख़ास तौर पर वो जो अमरीका से और ऑस्ट्रेलिया से जो मंगवा रहे हैं, वो लगता ऐसा है कि उसको डिवर्सिफाई करेंगे, और हमारी गुर्बत की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होने की वजह से जो है हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अमर्ज होते देख रहे हैं। अच्छा, ये जो अपॉर्चुनिटी है, मैं फिर ये हाईलाइट कर दूँ, ये हमारे खित्ते के दूसरे मुल्कों में भी, जिसमें मिडल ईस्ट शामिल है, गल्फ स्टेट शामिल है, मलेशिया, इंडोनेशिया, कोरिया, मतलब बहुत सारे हमारे खित्ते में ही बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स मौजूद है, जिनको हम थाईलैंड, जिनको हम पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभी स्वायक 3-4 गल्फ स्टेट्स के और वियतनाम के अभी हम कहीं भी नहीं है। तो जब इन पे एफर्ट करेंगे और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत जाएंगे, तो ये इन सारी मार्केट्स में जब मैं बात करता हूँ, तो इसमें पोल्ट्री के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज उसी तरह मौजूद है, हम पोल्ट्री भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम बीफ भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और हम मटन भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाबा साहब, बिल्कुल आखिरी 10 मिनट रह गए, और मैं हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि मैं एक्सट्रीमली सॉरी हूं कि नेट की गड़बड़ की वजह से हमारी लाइव ब्रॉडकास्टिंग थोड़ी देर के लिए रुकी, लेकिन उसके लिए मैं अपोलोजाइज हूं। इस वक्त पूरी दुनिया में जिधर मैं बैठा हूँ, हमारे स्टूडियो इन्वायरमेंट में ये हुआ है कि हमारे पूरे इस इलाके का नेट चला गया, और वो थोड़ी देर के लिए गया, लेकिन जैसे ही वापस आया हम लाइव आ गए, और हम अपने व्यूअर से एक्सट्रीमली अपोलोजाइज करते हैं कि ये छोटी सी गड़बड़ उन्होंने देखी, लेकिन शायद जब से ये COVID-19 आया है, पूरी दुनिया शायद इसी की शिकार है। तो हमारा आज का सब्जेक्ट लाइव स्टॉक था, और अभी लाइव स्टॉक में बहुत सारी चीज़ें, बल्कि हम इस मीट सेक्शन से ही निकल नहीं सके, और मीट सेक्शन के साथ साथ क्योंकि हम मिल्किंग की तरफ, ये मैं मिल्क की इसलिए बात कर रहा हूँ कि जैसे आपने अर्ली ऑन एक बात की कि पाकिस्तान में लोग जिस तरीके से भैंस को या गाय को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं बिकॉज शी प्रोड्यूस द मिल्क, लेकिन भैंसे को या बकरे को या इस तरह की वॉइस ऑफ वर्सा, क्योंकि वो प्रोड्यूस कुछ नहीं करते, तो उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते, जबकि उसका अदर ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। ये इसी तरह ही है, क्या वो भी उसी तरह प्रोडक्टिव हो सकते हैं एज गुड एज दी भैंस, यानी कि जो मिल्क प्रोड्यूस करती है, कुछ हो सकता है इसके ऊपर? जी, जैसे हमने बात की कि बिल्कुल, जो जैसे मिल्क की एक हमारे मुल्क में शॉर्टेज मौजूद है, जिसकी वजह से मिल्क तो लोगों को अच्छा पैसे मिल जाते हैं, अच्छा मार्जिन मिल जाता है, और लोग मिल्क की प्रोडक्शन के लिए अपने जानवर को 2-3 साल पालते हैं, फिर उसको उसको जब वो ब्रीडिंग पे आता है, ब्रीड करने के बाद उसको उसका मिल्क जो है वो सेल करना शुरू कर देते हैं। उसके मुकाबले में जो फैटनिंग के जो नए टेक्निक्स हैं और जो अच्छी फीड के थ्रू आप बहुत कम अरसे में मीट वाले जानवर को तैयार कर सकते हैं, आपको 2-3 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल 4-6 महीने में अच्छी डाइट दे के उनका वजन इतनी स्पीड से आप उसको बढ़ा सकते हैं और उनको सेहतमंद कर सकते हैं कि वो स्लॉटरिंग के लिए तैयार हो जाएगा। और वो प्रेशर सिर्फ यही है कि पोल्ट्री, एक तरफ पोल्ट्री के सस्ते और बेहतर हो जाने की वजह से लोकल डिमांड में इनके ऊपर प्रेशर आ गया, इनकी डिमांड अफेक्ट होनी शुरू होगी। दूसरा ये कि क्योंकि हमने अब तक स्ट्रेटेजिक तरीके से, बेहतर तरीके से अपनी मार्केटिंग दुनिया भर में जाके हम नहीं कर सके, और हमने उस पर एफर्ट नहीं की, मतलब ये जो गल्फ स्टेट जिनके हम नाम देखते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान के जो लोग जाते हैं वहाँ पे काम करने, उन्होंने ही कुछ थोड़ी बहुत एफर्ट करके जो है ना हमारे लोगों को उससे अलाइन कर दिया, लेकिन जो प्रॉपर एक मार्केटिंग की एफर्ट की जाती है वो उस तरीके से नहीं की गई, तो जिसकी वजह से ये सेक्टर जो है थोड़ा सा प्रेशर में है। आप अच्छी टेक्निक्स के थ्रू इसकी प्रोडक्टिविटी जो है उसको बढ़ा सकते हैं, और मेरी नज़र में इसमें जो अपॉर्चुनिटी इस वक्त मौजूद है ग्रो करने की, वो पोल्ट्री और मिल्क दोनों से बहुत ज़्यादा है। इस वक्त अगर हमारा सुपरस्टार एक जो चलता उछड़ता सितारा है, अगर हम इस पूरे सेक्टर में देखें, तो मेरी नज़र में वो जो है मीट
की जो इंडस्ट्री है वो उसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल जो है वो मौजूद है। फहीम साहब आपकी इजाज़त से अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक यहाँ पे ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये अपॉर्चुनिटी जो यहाँ पे मौजूद है सिर्फ फार्मिंग के अंदर नहीं है। फार्मिंग तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिसकी वजह से ये सेक्टर आगे परवान नहीं चढ़ रहा या रुका हुआ है। फार्मिंग के ठीक होने के अलावा या उसके साथ साथ इसकी स्लॉटर हाउसेज, मॉडर्न तर्ज के स्लॉटर हाउसेज लगा सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत कम स्लॉटर हाउसेज लगे हुए हैं, चंद गिनती के, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैसप सर्टिफाइड है। उसमें वो मशीनरी लगी हुई है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है, मौजूद है मेरे ख्याल से 15-20-30 के बराबर कुछ होंगे। और वो जो है ना वो पाकिस्तान में भी अच्छे सप्लाई बेस को कैटर कर रहे हैं, जहाँ पे अच्छे लोग अच्छी डिमांड करते हैं और वो इंटरनेशनली एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इसी तरह जहाँ पे फार्मिंग में अपॉर्चुनिटीज मौजूद है और जो फार्मिंग ठीक होने की तरफ जाएगी तो हमारी स्लॉटर हाउसेस की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी भी बढ़ रही है। हमारे पास एग्जिस्टिंग कैपेसिटी शायद कम है, हम इससे ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो उन स्लॉटर हाउसेज के अंदर भी इन्वेस्टमेंट जो है उसी तरीके से मॉडर्न फूड सिक्योरिटी के तमाम क्वालिटी पैरामीटर्स पूरे करने वाले स्लॉटर हाउसेज के अंदर भी एक बाहर से इन्वेस्टर आके काम शुरू कर सकता है। उसके अलावा मीट के अंदर ही जब हम पोल्ट्री को देखते हैं तो उसमें चिकन विंग्स अवेलेबल हैं, सॉसेजेस बननी शुरू हो गई हैं, चिकन कबाब अवेलेबल हो गए हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो है ना कट फ्रोजन रेडी टू कुक चीज़ें आ गई हैं कि वो आप फ्रीज़र से निकाल के लेके आते हैं किसी स्टोर से और अपने यहाँ पे फ्रीज़र में उसको स्टोर कर लेते हैं और फिर वक्तन फवक्तन उसको निकाल के घर में इस्तेमाल कर लेते हैं। ये चीज़ें जो हैं पाकिस्तान से दुनिया भर में पोल्ट्री की जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं ये एक्सपोर्ट भी हो रही हैं। ख़ास तौर पे हमारे अपने लोग वहाँ पे बड़ा पसंद करते हैं, KNN नाम की कंपनी है, उसके अलावा 2-3-4 कंपनियाँ और आ गई हैं। लेकिन इस किस्म का काम जो है वो बाकी जो हमारा मीट सेक्टर है, गोट का मीट हो गया या बफलो का मीट हो गया, तो उसमें तो अभी वो उस तरफ लोगों ने अभी इन्वेस्ट करना नहीं शुरू किया या उस तरीके से इन्वेस्ट करना नहीं शुरू किया। एक आधी कंपनी उसमें काम कर रही है लेकिन जो स्पेस मौजूद है पाकिस्तान के अंदर इसके अंदर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स डेवलप करके उसको बेचने की और फिर उसकी जो एक्सपोर्ट मार्केट मौजूद है वो दोनों एरियाज जो हैं वो इन एरियाज में भी उतनी ही पोटेंशियल मौजूद है। और ना सिर्फ ये कि हम ऐसी जगह पे आ जाएंगे कि जहाँ पे हम मीट का गोश्त जो है वो सिंपल रेफ्रिजरेटेड दुनिया में अपने मार्केट कर सकेंगे बल्कि उसकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें भी उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल सही जो आपने बात की, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। आपने जैसे कहा कि वैल्यू एडेड मीन्स कि आप उसको फ्रोज करके उसकी कटिंग जो भी एक मॉडर्न वे है जो पूरे पूरी यूरोप में इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर यहाँ पे तो फ्रेश गोश्त तो मिलता है लेकिन ज़्यादातर लोग जिस तरह की लाइफस्टाइल है यहाँ पे लोग फ्रोजन की तरफ चले गए हैं, फ्रेश की तरफ अवेलेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी चेंज हुई है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान उन पर भी एक बहुत बड़ा काम कर सकता है और उसके लिए मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म की गवर्नमेंट की तरफ से इनकरेजमेंट ज़्यादा है, डिस्करेजमेंट नहीं है। और जैसे अभी आप सारी गुफ्तगू कर रहे हैं कि मॉडर्न वे ऑफ फार्मिंग के लिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इस वक्त तो आप पंजाब में बैठे हुए हैं, तो पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत सारी फिजिबिलिटीज ऑब्वियसली बना के रखी हुई हैं। और ये नहीं कि कोई बड़ी साइंस इसमें चाहिए कि हम इसे मॉडर्न फार्मिंग क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बना के रखी हैं कि कैसे आप मॉडर्न, इसी तरह ही है बाबा साहब जी। सो इनिशियली सारे प्लेटफॉर्म्स आपके आके ले राउंड किए हुए हैं। असल चीज़ है कि आप जाएं, इन्वेस्टमेंट करें, मेहनत करें, आपको रिटर्न भी मिलेगी और बड़ी अच्छी रिटर्न मिलेगी। बाबा साहब आखिर में, क्योंकि मेरे जहन में बहुत सारे और क्वेश्चन आ रहे थे लेकिन हम लाइफ स्टॉक में सिर्फ बकरियों और गांव से नहीं निकल सके, हमने दूसरी तरफ तो इतनी ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि मेरे जहन में और बहुत सारे जो यूरोप में एक मिथ है सवाल जो मैंने आप स्टूडियो आपसे बात की थी, तो मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर भी क्लैरिटी करें और हम जो अगले वीक प्रोग्राम करने जा रहे हैं थोड़ा सा हम लोगों को बताएं कि जो बात मैंने अभी की है कि बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लोगों को फैसिलिटेट कर रही है
और मेरी जो मेरी प्रोडक्शन है, क्योंकि हमारा मुल्क इट कैन बी अ बिगर प्रोड्यूसिंग कंट्री हु प्रोड्यूस एवरीथिंग। आज अगर चाइना पूरी दुनिया में सबसे बड़ी सुपर पावर बन के खड़ा हुआ है बिकॉज दे पुट द इंडस्ट्री देयर, दे आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है, सो बेसिकली ये है कि हमारे मुल्क में यंग जनरेशन बहुत बड़ी है, गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है, कोशिश की जा रही है कि सारा कुछ जो बड़े बड़े लोग पंजे गाड़ के बैठे हुए थे पोएट्री में, मुझे पता है बाबर साहब सियासी नहीं है लेकिन मैं एक सियासी पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ, ये जितने भी बिजनेस थे इनिशियली जो बड़ी बड़ी वहाँ की सियासी फैमिलियाँ थी उन्होंने कंट्रोल किए हुए थे क्योंकि उनको नजर आता था कि वो इसमें से प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये सारा कुछ करने के साथ पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया। जो एक मॉडर्न वे के अगर आप नंबर्स गेम बढ़ा देते तो शायद आज पाकिस्तान एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था मीट सेक्टर में, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि हर उस फील्ड को पकड़ा जाए जो हम पाकिस्तान से चीजें एक्सपोर्ट करके पूरी दुनिया में सप्लाई कर सकें। हमारे पास यूथ है, इंडस्ट्री लगेगी, जॉब्स आएंगी, बहुत सारे सेक्टर्स है। मैं ये समझता हूँ कि आखिर में, क्योंकि हमारी गुफ्तगु बीच में एक थोड़ी ट्रांसमिशन की गड़बड़ भी हुई, तो हम सोचते हैं कि हम एक सेगमेंट सब्जेक्ट पे बात करके हम उसे खत्म कर लेंगे लेकिन वो लंबा चला जाता है। सो आखिर में बाबा साहब अगले प्रोग्राम पे हम बात करेंगे, कोई और छोटी सी बात अगर आप मैसेज छोड़ना चाहते हैं और अगले जो प्रोग्राम हमने करना है उसके बारे में हम किस पे बात करना चाहेंगे अगर आप अभी बताना चाहते हैं तो ठीक है, ये इसे कंक्लूड करें और हम अपने देखने वालों से इजाजत लें। जी थैंक यू, बिल्कुल इसको मेरे ख्याल से जी कुछ ही अगर कंक्लूड कर लिया जाए तो आपने गवर्नमेंट की बात की, तो हम लाइफ स्टॉक पॉलिसी पे मैं खुद इन्वॉल्व हूँ पंजाब की लाइफ स्टॉक पॉलिसी को तरतीब देने में। आज भी थोड़ी देर पहले जो है मेरी उससे रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो रही थी, तो इन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हुए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारा जो पंजाब का लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है उसको दो तीन चार चीज़ें उसकी पॉलिसी में इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे जो है वो मेरी राय में बहुत बेहतरी आएगी और हमारी जो मीट की ट्रेड है वो इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। एक हम उनको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि हम हमारे मुल्क के जो अंदर जो स्लॉटर हाउसेज मौजूद हैं जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी पर काम कर रहे हैं उनको इकट्ठा करें और उनकी इंटरनेशनल जो ट्रेड फेयर्स होते हैं मीट के और फूड इंडस्ट्री के ट्रेड फेयर होते हैं चाइना में होते हैं, मिडल ईस्ट में होते हैं, मलेशिया में, तो दुनिया के हर मुल्क में उन्होंने एक मीट से रिलेटेड एक ट्रेड फेयर वो लोग करते हैं जिसमें दुनिया भर से लोग आके पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम कोशिश ये करें कि गवर्नमेंट को इनक्रेज करें कि आप एक स्ट्रेटजिक तरीके से इसको लेकर चलें और सबसे पहले ये करें कि जो हमारे अच्छे स्लॉटर हाउसेज हैं और एक्सपोर्टर्स हैं उनको इन ट्रेड फेयर्स में लेके जाएं ताकि वो जाएं जाके अपनी मार्केटिंग करें, पाकिस्तान को एक बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से वहाँ रिप्रेजेंट करें और इन मुल्कों से मंडियों से जो है वो ऑर्डर लेके पाकिस्तान में वापस आ सकें। नंबर टू ये कि वो जब ट्रेड फेयर्स में जाना शुरू होंगे तो उनको पता ये लगेगा कि यार किन किन मुल्कों में डिमांड किस तरह वेरी करती है, तो इसी तरह उनको सपोर्ट दी जाए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, स्किल डेवलपमेंट में, ताकि उनकी लेबर को ट्रेन करके उनकी स्किल को उस लेवल पे लेके जाया जा सके कि वो दुनिया में जिस किस्म के कट्स पसंद किए जाते हैं, जिस किस्म की वो पसंद की जाती है वो चीज़ें कर सकें। और इसी तरह जो हमारे मीडियम साइज फार्मर हैं उनको सपोर्ट दी जाए क्योंकि छोटा बहुत फार्मर एक भैंस दो भैंस चार भैंस वाला वो उस तरीके से कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकेगा। हम उन्हें कह ये रहे कि आप पॉलिसी में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करें कि जो मीडियम साइज फार्मर हैं जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनको भी एक सपोर्ट दी जाए कि वो अपने आप को क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कैसे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल जो बायर हैं वो बहुत सारे ये मांगते हैं कि जी वो फार्मिंग के स्टैंडर्ड्स भी वो पूरे किए जाएं, जिस तरह स्लॉटर हाउसेज में क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स पूरे किए जा रहे हैं उस तरह फार्मिंग में भी जो है ना वो पूरे स्टैंडर्ड्स पूरे किए जाएँ, उनका एक ट्रेस किया जाए कि जी कौन सी फीड, कौन सा इंजेक्शन, कौन सी दवाई किस टाइम पर लगी, कब आया, कब गया, कब वो क्या एज पे, क्या उसका वजन था, वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, अच्छी प्रैक्टिसेस को वहाँ पे लेके आया जाए। तो ये एक मीडियम साइज फार्मर जो है वो कर सकता है जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी मीट पर प्रोड्यूस कर सकता है और उसमें उस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकता है। तो मीडियम साइज फार्मर्स को इनकरेज करने के लिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस पॉलिसी में खासतौर पर एक्सपोर्ट के हवाले से
उनके लिए एक सपोर्ट पैकेज लेके आया जाए जहाँ पर उनको इनपुट्स भी सब्सिडी पे अच्छी इनपुट्स भी दी जाए, उनको ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें भी दी जाए ताकि वो क्वालिटी सिस्टम्स की तरफ की अडॉप्शन की तरफ जो है वो आ सकें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, इस वक्त डिस्कशन हमारी चल रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं जहाँ पर हम उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये दो तीन एफर्ट्स वो कर लें तो कोई हर्ज नहीं है कि हम आज से दो साल बाद तीन साल बाद जब इस चीज़ को देख रहे हो तो हमारी हम भी कहेंगे जी हम भी 2 बिलियन या 3 बिलियन या 4 बिलियन इंडिया के बराबर जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी मीट की। तो ये मैं एक आई थिंक इसको कंक्लूड करने के लिए ये कहना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है, पूरी वैल्यू चेन में मौजूद है, गवर्नमेंट कीन है और कुछ हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको मज़ीद जो है वो इस डायरेक्शन पर लेके आया जाए और एक्सपोर्ट की तरफ जो है ना अपने मुल्क को मीट के हवाले से इस अपॉर्चुनिटी को भरपूर तरीके से एक्सप्लॉइट किया। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। मैं भी इसको आखिर में कंक्लूड ही करता हूँ। हमारे व्यूअर्स ने एक बात लिख ली है कि अवाम को अपना किरदार अदा करना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त बात। बात यह है कि हमारी जो नेशन है पाकिस्तान में, बिल्कुल इसे आखिर में मैं कंक्लूड करने जा रहा हूँ कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने SOPs बनाए हैं कि लोग जो सा है थोड़ा सा एहतियात करें, जो कोरोना वायरस एक बिल्कुल एक बहुत बड़ी मैनेस की तरह पूरी दुनिया में छाई हुई है, हमारे लोगों को अनफॉर्चुनेटली सोशल डिस्टेंस की SOPs हमारे लोगों ने नहीं इस्तेमाल की, जिसकी वजह से डेथ टोल जो सा है वो पाकिस्तान में बढ़ेगा। तो इस प्रोग्राम के आखिर में मैं इतना ही कहूँगा जितने भी देखने वाले हैं कि आपके आगे पीछे जितने भी लोग हैं उनको बताएं कि COVID-19 साल डेढ़ साल आपके से नहीं जाएगी, आपको ये सोशल डिस्टेंसिंग वाला काम इसको आपने ज़रूर करना है, अगर आप नहीं करेंगे तो आप अपने मुल्क का नुकसान करेंगे, अपने प्यारों का नुकसान करेंगे, अपना नुकसान करेंगे। और अपॉर्चुनिटी माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त हैं कि अगर लोग इन चीज़ों पर तवज्जो दें, जो हमारी आवाम सोई हुई है कि अगर वो इन चीज़ों पर तवज्जो दें तो शायद आने वाले दिनों में जॉबों के मसले भी हल हो जाएं, छोटे छोटे बिजनेस भी लोग कर सकें और ये जो COVID-19 है इससे भी जान छुड़ा सकें। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, मैं देखने वालों को इतना ही कहूँगा कि बड़ा इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम था, आगे भी बहुत सारे हम लाइव स्टॉक पे एक सेक्शन से ही निकल सके और आगे भी बहुत सारी चीज़ें हमने इसके ऊपर बात करनी है। तो हम आखिर में इतना ही कहेंगे कि हम सब लोगों को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए नया दिन TV और बाबर मलिक को एवरी ट्यूसडे हमारे UK के टाइम 1 से 2 और पाकिस्तान में 5 से 6 आप ज़रूर आएं। और आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चंस हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम उसका जवाब भी दे सकें। तो इसके साथ ही हम आपसे लेते हैं इजाज़त, देखते रहिए नया दिन TV।